हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षवर्धन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, करियर गुरु और एक एक्सपोर्टर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हम अपने चैनल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, आज इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ, आज इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि स्वीट लाइन अगर आप यानी एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ से सस्ता मिलेगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो ये सारी प्रोडक्ट सिलेक्शन की नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन की नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाएगी। भाई अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मैं बेचूंगा क्या और बेचूंगा किसको? तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम प्रोडक्ट बताते जा रहे हैं। प्ले लिस्ट में हमारी पूरी लिस्ट डली हुई है प्रोडक्ट सिलेक्शन की। तो आप लगभग 100-150 प्रोडक्ट होंगे, उससे ज़्यादा भी है, रेगुलर डलती चली जाती है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्वीट लाइम की। स्वीट लाइम के एक्सपोर्ट की सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं कि स्वीट लाइम क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है। भाई देखो, अगर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा होगा तभी एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब स्वीट लाइम के फ़ायदे क्या क्या हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वीट लाइम के फ़ायदे क्या क्या है, जिस कारण से उसकी डिमांड इतनी है। देखिए, सबसे पहले आपकी आई साइट को इम्प्रूव करता है। आज की डेट में क्या है, देखिए सारे के सारे आप और हम हैं ज़्यादातर टाइम अपना मोबाइल पर आते हैं, लैपटॉप पे बिताते हैं, और रात को भी अगर घर जाते हैं तो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं या कोई सीरीज देखने लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली आंखें ही है ना, एक लिमिट है उसकी। तो आई साइट में ये हेल्पफुल है, इंप्रूव करता है आई साइट को। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि माना जाता है कि आमतौर पर मानसून जब आता है तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे बीच होते हैं, देखिए वहाँ नमकीन वाटर होता है, सॉल्टी पानी होता है, थोड़ा सॉल्टेड होता है, तो इसका मतलब जहाँ नमकीन पानी होगा तो बाल जल्दी झड़ते हैं, तो इसीलिए उसमें भी हेल्पफुल होता है। विटामिन सी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, रिच एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, बोन के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है, डिहाइड्रेशन की कमी को दूर करता है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके जिम इंस्ट्रक्टर भी आपको बोलेंगे, डॉक्टर भी ये बोलेंगे कि भैया आप ये स्वीट लाइम इनटेक करिए, वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। अब डाइजेशन क्या है, देखिए मैक्सिमम जितने लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं ज़्यादातर वो लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, हमारा भी स्टाफ है, चाहे हम हैं हम बैठे रहते हैं ज़्यादातर। हाँ, मेरी एक बात अलग है कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं। MNC में देखिए या फिर वर्क फ्रॉम होम के देखिए, लोग पलंग पे काम कर रहे हैं या कंप्यूटर टेबल ली हुई है तो बैठे रहते हैं, तो क्या है डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, तो ये उसको भी क्योर करता है। प्लस इम्यूनिटी तो आपकी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और बोन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा है इसीलिए इसका एक्सपोर्ट अच्छा रहता है, प्लस हर देश में इसका प्रोडक्शन हो नहीं पाता इसीलिए इसकी डिमांड भी अच्छी रहती है और मार्जिन भी इसका अच्छा मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी स्टेट से ये मुझे सस्ता मिलेगा। देखिए, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, अगर हम इंडियन हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस किया जा रहा है और कहाँ से सस्ता मिलेगा। भाई जहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है वहीं सस्ता मिलेगा, दूसरी स्टेट में तो वो आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट अपनी स्टेट की मंडी से लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि जो मंगवा रहा है उस स्टेट में वो भी तो अपना मार्जिन लेगा, तो यहाँ से आप उसकी मार्जिन की कैंची चला सकते हैं और डायरेक्ट डील कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मुझे कौन सी स्टेट की तरफ विजिट करना है जहाँ पे मुझे ये स्वीट लाइम बहुत सस्ता मिले। सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल है, फिर आप पंजाब जा सकते हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, फिर आप केरला जा सकते हैं, आप मिजोरम टारगेट कर सकते हैं, आप उत्तराखंड को टारगेट कर सकते हैं, बिहार और महाराष्ट्र में भी इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन है। तो अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। आपको ये सारे जो यानी अगर ख़ास तौर से अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल करता है। तो वेस्ट बंगाल के लोग जितने भी है, जैसे हमारी कोलकाता में भी क्लास थी अभी, तो वेस्ट बंगाल के काफ़ी लोग आए थे तो उनको भी हमने ये नॉलेज दी थी। तो यहाँ से आप ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पे आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं और आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या क्या इंसेंटिव देती है और इसका HS कोड क्या है और कौन से देशों में मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। दोस्तों, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो कंट्री की नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है ऑल ओवर इंडिया, वर्कशॉप चलती रहती हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो आप घर से बैठ के ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं, मैं खुद लाइव आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूँ जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट
प्रैक्टिकली हम आपको सिखाते हैं। और रहने खाने की भी टेंशन नहीं है, अगर आप दिल्ली आते हैं तो रहने खाने की व्यवस्था भी हमारी तरफ से हो जाएगी, तो कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कंट्री सिलेक्शन भी बताते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन भी बताते हैं, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, जेन्युइन बायर है या जेन्युइन सप्लायर है या नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक, शिपिंग, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करें और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सरकार इस पे क्या क्या इंसेंटिव दे। दोस्तों अगर मैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात करूँ तो डीबी के लगभग आपका 0.15% आपका कमर्शियल इनवॉइस पे मिल जाएगा, और अगर आप मैं बात करूँ रोड टैप की तो आपकी एफओबी वैल्यू जितनी भी है उसका उसमें लगभग 2.5% आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों इससे पहले कि सरकार इंसेंटिव कम भी कर सकती है, बड़े भी कर सकती है, तो ये रेगुलरली आपको पता होना चाहिए जब भी आप काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देख के आज ही हमारा यानी इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे, अगर आप 2 महीने या 1 महीने बाद शुरू करेंगे तो इंसेंटिव बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं टीएमए ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट्स की तो लगभग 14,200 रुपए पर TEU यानी 20 इक्विपमेंट यूनिट्स का मतलब एक 20 फुट का कंटेनर पे आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ रीफर कार्गो की तो रीफर कार्गो में आपको 31,500 रुपये पर TEU का मतलब 20 इक्विपमेंट यूनिट यानी 20 फुट के कंटेनर को TEU कहते हैं और 40 फुट के कंटेनर को FEU 40 इक्विपमेंट यूनिट्स कहते हैं। तो रीफर कार्गो पे आपको 31,500 मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ आप बाय एयर भेज रहे हैं तो लगभग 2.24 पर केजी के अकॉर्डिंगली आपको ये टीएमए मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्जिन कौन से देश में मिलेगा, अगर आप जर्मनी में टारगेट करेंगे तो 1.72 बिलियन US डॉलर। दोस्तों मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, मैं बिलियन की बात कर रहा हूँ, बिलियन यूएस डॉलर का ये इंपोर्ट कराता है। तो जर्मनी में आपको सबसे अच्छा मार्जिन मिलेगा, फ़ायदा भी रहेगा और यानी कंटेनर के कंटेनर आपके जाएंगे। उसके बाद है फ्रांस जो कि 1.31 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करवाता है, और उसके बाद है यूएसए जो कि 1.28 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट कराता है, फिर है नीदरलैंड जो कि 1.10 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करा रहा है, फिर है उसके बाद रशिया जो कि 1.06 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करा रहा है। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं तो इसका एचएस कोड है 0805100। दोस्तों अब एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं इस स्वीट लाइम को कंट्रीज़ वो कौन कौन सी, यानी हम डायरेक्टली हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं। इसको स्पेन एक्सपोर्ट कर रहा है 4.18 बिलियन US डॉलर का, अकेला स्पेन ही एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद है साउथ अफ्रीका जो कि 1.90 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर है चाइना जो कि 1.36 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर है टर्की जो 990 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद है इजिप्ट जो कि 956 मिलियन US डॉलर का आपको एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की कौन सी मेंबरशिप, कौन सी आरसी एमसी लेनी है, तो आपको आपीडा लेना है इसके अंदर, APEDA आपीडा, तो आपीडा की आरसी एमसी लीजिए। प्लस अगर मैं बात करूँ इसमें प्रॉफिट की, कितना प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है, लगभग 40 से 60 रुपये पर केजी आपको मिल जाएगा। और अगर मैं एक्सपोर्ट की वैल्यू की बात करूँ तो 120 से 160 रुपये के आसपास तक इसका रेट जा चुका है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लगभग मान के चलिए 100 से 200% मिनिमम आपको मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई कमेंट है आपका, कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। प्लस अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या कुछ भी जानना चाहते हो तो आप बेझिझक होके टाइप करो। टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, कारण भाई बायर सेलर भी होते हैं वहाँ पे, आपका ग्रुप बनेगा, एक बिजनेस ग्रुप जनरेट होगा, हम भी वहाँ अवेलेबल रहते हैं, कोई क्वेश्चन होगा वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए, कोई कमी रह गई है तो भी ज़रूर बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, अब चाहे कम क्वांटिटी में है, सामने ये एक वेयर हाउस है, आपका माल चाहे कम क्वांटिटी में है ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ, अगर आप यहाँ माल भेज रहे हो तो आपके पास कंटेनर ही आएगा, नॉर्मल ट्रक आएंगे, ट्रक में माल डालिए, यहाँ पे माल अनलोड होगा। अब यहाँ से ये एक एक करके आपके सामने लाइव स्टफिंग चल रही है, देखो एक एक करके अंदर से माल लाया जा रहा है और यहाँ से एक एक करके स्टफिंग की जा रही है, सीटेबल्स है या नट बोल्ट्स हैं
वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है, ये 1989 में इसको किया गया था, लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था। We'll be right back.